हाय फ्रेंड्स, आई एम बैक। मैं नेहा फ्रॉम लर्निंग एट मी से। आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो देखने वाले हैं, जो हम श्यामा तुलसी और रामा तुलसी किसी भी तरह की तुलसी की कटिंग लगा सकते हैं। वैसे तो तुलसी इजी टू प्रोपोगेट है, बारिशों में बीजों से गिरकर बन जाती है, पर जो बीजों से पौधे बनते हैं वो बनने में बहुत टाइम लग जाता है, और कभी कभी तेज बारिश की वजह से जो बनते हैं वो हमारे डाई बैक हो जाते हैं, और आगे जो मौसम आता है विंटर्स का उसमें भी हमारी तुलसी मोस्टली मर जाती है। तो एक बहुत राइट टाइम है जिसमें आप छोटी छोटी कटिंग्स लेकर अपनी लगा ले, जिससे आपके पास पूरी सर्दियों के लिए, क्योंकि ये हेल्दी होती है, हमें कोल्ड वगैरह से बचाती है, हमारे लिए हमारे पास बहुत सारी तुलसी हो जाए। मैंने रामा तुलसी की भी बहुत सारी कटिंग लगाई है, वो मैं अपडेट के साथ आपको दिखाऊंगी। अभी हम श्यामा तुलसी की लगाने जा रहे हैं। दोनों को लगाने का सेम ही मेथड है। मैंने एक पोट ले लिया है। इस पोट में मैंने 50% सैंड और 50% नॉर्मल गार्डन सॉयल मिक्स किया है। अब मैं इन तुलसी की छोटी छोटी कटिंग्स ले लेती हूँ। देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमने इतनी इतनी कटिंग्स बनानी है, और जो नीचे का नोड एरिया है, नोड एरिया से 1 इंच नीचे हमें छोड़ना है, ताकि फंगल हमारे नोड एरिया तक ना पहुंच पाए। और इसके जो ये ऊपर के पत्ते हैं, ये हमको निकालने हैं। हमें ऊपर के ही थोड़े से पत्ते छोड़ने हैं, जो टेंडर लीव्स हों, बाकी ये जो मेच्योर लीव्स हैं हमारे, हमें इन्हें हटाना है। तो ऐसे मैंने अपनी 2-3 कटिंग्स बना ली हैं, सो मैं बाकी की भी बना देती हूँ। फ्रेंड्स, अगर तुलसी पे ये मंजरी या बीज आए हुए हैं तो हमें इनको भी प्लग करना है, नीचे के पत्ते के साथ इनको भी प्लग करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नहीं तो सारी पावर इनको मैच्योर होने में लग जाएगी और रूट बनने में प्लांट का बिल्कुल ध्यान नहीं रहेगा। देख सकते हैं फ्रेंड्स, मेरी सारी कटिंग रेडी हो चुकी है। अब मैं इस पॉट में, जिसमें मैंने 50% सैंड और 50% गार्डन सॉइल मिक्स की है, अब मैं इसमें कुछ होल बना लूँगी, ताकि होल की सहायता में, होल्स में मैंने सॉफ्टली डाल दूँ। इसमें हमें किसी रूटिंग हार्मोन्स को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। एक बारिश का मौसम ऐसा होता है जिसमें हमारी तुलसी की कटिंग बहुत ईजिली उग जाती है, इसके सीड भी प्रोपोगेट हो जाते हैं, पर कई बार भादवी की, मतलब जो सावन से अगला, मतलब बारिश के बाद मौसम आता है, उसमें तीखी बहुत धूप होती है, जिसके कारण हमारे सीडलिंग मर जाती है। सो इसके नीचे के पत्ते कुछ रह गए हैं, नीचे पत्ते नहीं रहने चाहिए, अगर नीचे पत्ते होंगे तो उनमें फंगस का अटैक हो सकता है। तो धीरे धीरे करके मैं अपनी सारी कटिंग आपको जस्ट शेक करके इसको ऐसे सॉफ्टली डालना है, और अपने हाथ से ऐसे प्रेस करना है, ताकि एयर गैप्स ना रहे। देखिए फ्रेंड्स, मैंने लगा दी हैं। अब हम इसको थोड़ा टैप करेंगे। टैप करने के बाद हम इसमें थोड़ी सी वाटरिंग करेंगे। एक बार तो आप लगाने के बाद वाटरिंग कर दें, पर उसके बाद आप वाटरिंग, जब ये आपको ड्राई लगे 2-3 दिन बाद, मतलब बिल्कुल ना सूखे, 2-3 दिन बाद आप इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते रहें। हमारी कटिंग सूखनी नहीं चाहिए, अगर वो सूखेंगी तो रूट नहीं आएंगे। वैसे तो वेदर ही इतना अच्छा है, ये जो बारिश का मौसम होता है इसमें मॉइस्चर और ह्यूमिड इतना होता है कि प्लांट्स की जो सूखी मिट्टी भी होती है वो नहीं सूखती, लेकिन फिर भी हमें अपनी टेंडर्स कटिंग का बहुत ध्यान रखना चाहिए। फ्रेंड्स, हमें इसे सेमी शेड में रखना है, धूप में नहीं रखना है। आप 10 दिन तक इसे सेमी शेड में रखिए, जहां उजाला तो आए, एयरेशन भी हो, बट अंधेरा ना हो। हम इसे वहां रख देंगे, और हम इसे खुली धूप या खुली बारिश में भी नहीं रखेंगे। इसमें ज़्यादा बारिश पड़ी तो भी ख़राब हो जाएंगी, और धूप पड़ी एकदम तीखी धूप जैसे बारिशों में निकल जाती है, वो भी पड़ी तो ख़राब हो जाएंगी। और 10 दिन के अंदर आप इसमें ग्रोथ देख सकते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने 10 दिन पहले ये श्यामा तुलसी की कटिंग लगाई थी, जो कि मैंने अपने गमले में लगा दी थी, क्योंकि यहाँ बहुत बारिश हो रही है, पर इसको 15-20 दिन हो गए और बारिश भी कंटिन्यूटी में हो रही है। तो आप देखिए इसकी रूट सिस्टम कितना अच्छा बना है, होप आप देख पा रहे हैं। अगर बारिश आ रही है तो ये परफेक्ट टाइम है, आप इसको लगा दीजिए, बहुत जल्दी रूट बन जाएंगी। सो मिलते हैं फ्रेंड किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। Till then, take care, keep learning, and don't forget to subscribe my channel and like and hit the subscribe button. So, milte hain new informative video mein. Till then, bye, take care.